हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ एक्सरसाइज 3.3। 3.2 तक हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम पढ़ेंगे 3.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? अब इसके अंदर हमारे पास आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? किसी चीज़ को पुट करना, ठीक है, किसी चीज़ की वैल्यू रखना और तब उसको सॉल्व करके निकालना। कैसे? देखो, क्वेश्चन के अंदर बताऊंगी मैं आपको कैसे है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशन दे रखी हैं कि नहीं भी, फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में से हम या तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे या वाई की। कैसे? हमने एक फर्स्ट है जो इक्वेशन उसका यूज़ किया, फ्रॉम फर्स्ट है, क्या थी? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली, माइनस वाई इधर आ जाएगा, 14 माइनस वाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। जब हमने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाल ली है तो हम सेकंड में पुट करेंगे, अगर हमने सेकंड से निकाल रखी होगी तो हमें फर्स्ट में पुट करेंगे। जिससे भी हमने वैल्यू फाइंड की है उसके अंदर हम पुट नहीं करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट से निकालिए तो किस में पुट करेंगे? सेकंड में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड क्या? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू क्या आई? 14 माइनस वाई, और माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब 14 माइनस माइनस वाई माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इधर हमारे पास क्या आएगा? माइनस 2y इज इक्वल टू 4, प्लस को इधर लेके आए माइनस 14, 4 माइनस 14 क्या आएगा? माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसल, 2y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 2 डिवाइड में 10/2। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 5। अब जो y की वैल्यू आई, अगर हम इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, वाई की जगह हमने 5 पुट कर दिया, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9। ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड है s माइनस t इज इक्वल टू 3, एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशन दे रखी हैं, सबसे पहले हम जो सेकेंड इक्वेशन है इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? 3 2 जहाँ 6। तो एलसीएम हमारे पास, यहाँ बताती हूँ मैं आपको एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। 2 की और s की मल्टीप्लाई 2s हो जाएगा और इसकी क्या आ जाएगी? 3t इज इक्वल टू 6 है, 6 को उधर लेके जाएंगे, 6 6 या 36, और क्या आ जाएगा? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट से वैल्यू निकाली s की, s इज इक्वल टू माइनस है इधर आएगा, प्लस हो जाएगा t प्लस 3, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। जब हमने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाली तो किस में पुट करेंगे? सेकंड में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे, 2x, s की जगह हमारे पास क्या आया? t प्लस 3 और प्लस 3t इज इक्वल टू 36, अंदर मल्टीप्लाई किया, 2t प्लस 2 3 जा 6, प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 2t प्लस 3t कितना आ जाएगा? 5t इज इक्वल टू 36, प्लस 6 को इधर लेके आए माइनस 6, 36 में से 6 जाएगा 30, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30, इधर से 5 लेके जाएंगे डिवाइड में, 5 से कैंसिल कर दिया 6 पे, तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। अब हमारे पास t की वैल्यू आई, इसको हम अगर थर्ड में पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू सोल्व कर सकते हैं? s की। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट है, मर्जी हमारी फर्स्ट में करो, सेकंड में करो या थर्ड में, किसी में भी पुट करो, हमें तो एक वैल्यू मिल गई। अब फर्स्ट में अगर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तब भी वही आएगा, s माइनस t की जगह क्या रखा? 6 इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3, माइनस था इधर आया प्लस, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 9, s इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास से? 9। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकंड।
फर्स्ट इक्वेशन से हमने वाई थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री है, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली किसकी, वाई की। ये माइनस वाई को इधर लेके गए प्लस हो गया, इसको इधर ले आएंगे माइनस, थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू निकाल ली। इसको हम फर्स्ट से निकाल लिया तो सेकेंड में पुट करेंगे, पुट करा कर देंगे सेकेंड में नाइन एक्स माइनस थ्री, और वाई की जगह क्या रखा थ्री एक्स माइनस थ्री, और इज इक्वल टू में नाइन, नाइन एक्स थ्री थ्री जै नाइन एक्स, माइनस माइनस प्लस नाइन इज इक्वल टू नाइन, नाइन एक्स से नाइन एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचेगा नाइन इज इक्वल टू नाइन, ये भी कैंसिल हो गया। जब एक्स ही नहीं रहेगा हमारे पास तो क्या बोल देंगे हम, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू कुछ रहा ही नहीं तो एक्स क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से हम एक्स को सॉल्व नहीं कर सकते, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कैसे नहीं है, अब देखो हमारे पास क्या था ए वन बाई ए टू, यहाँ से क्या आ जाएगा थ्री बाई नाइन, इधर से क्या आ जाएगा माइनस वन बाई माइनस थ्री, और थ्री बाई नाइन ये आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास वन बाई थ्री इज इक्वल टू वन बाई थ्री इज इक्वल टू वन बाई थ्री, तीनों इक्वल आ गए ना हमारे पास है, तो हम क्या बोल देंगे इसका हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, बल्कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम इसके, ठीक है। तो इसलिए हम क्या रख देंगे एज इट इज छोड़ देंगे यहीं पर। नेक्स्ट है फोर, 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3। सबसे पहले पॉइंट हटाने के लिए हमने क्या किया, 2 by 10x हो जाएगा, इधर 3 by 10y is equal to 13 by 10, सभी की डिवाइड में 10 है तो 10 से 10 नेग्लेक्ट हो जाएगा, 2x plus 3y is equal to 13। इसी तरह सेकंड में 4 बाई टेन एक्स 5 बाई टेन वाई इज इक्वल टू 23 बाई टेन, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 10 आ जाएगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको इक्वेशन थर्ड और फोर नाम दे लिए, फोर इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली x की, क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 3y को उधर लेके गए 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई था डिवाइड में आ जाएगा 13 माइनस 3y बाई 2, पुट इन इक्वेशन 4, थर्ड से निकाला है तो 4 में पुट कर दिया, 4 x की जगह क्या रखेंगे 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 2 वन जा 2, 2 2 जा 4, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 13 26, 2 की और 3 की माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 26 है इसको इधर लेके आएंगे प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस 6y प्लस y क्या आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई आपके पास 3। अब इस वैल्यू को हम किसके अंदर पुट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ किसी में भी आपकी चॉइस है किसी में भी पुट करो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, थर्ड में पुट कर ली, थर्ड में हमारे पास क्या है 2x प्लस 3 और y की वैल्यू क्या रख दी 3 इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 3, 3 जा 9, 9 को इधर लेके आए 13 माइनस 9 कितना आया 4x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल होके 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 3। नेक्स्ट है फिफ्थ, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से हमने सॉल्व किया कि रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, रूट टू एक्स इज इक्वल टू ये प्लस से इधर जाएगा माइनस रूट थ्री वाई, एक्स इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस रूट थ्री बाई टू वाई। अब फर्स्ट से निकालिए तो सेकेंड में पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, रूट थ्री एक्स की जगह हम क्या रखेंगे माइनस रूट थ्री बाई टू वाई, माइनस रूट एट और वाई की जगह एज इट इज इक्वल टू जीरो, रूट थ्री, रूट थ्री कितना हो जाएगा थ्री, माइनस एज इट इज बाई रूट टू इंटू वाई, ये पूरे पे रूट है बेटा, माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा रूट टू माइनस थ्री वाई, और टू की और एट की मल्टीप्लाई रूट सिक्सटीन वाई इज इक्वल टू जीरो, माइनस थ्री वाई, सिक्सटीन का रूट क्या होता है फोर, माइनस फोर वाई इज इक्वल बाई रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अब रूट टू उधर जाएगा क्या हो गया जीरो, माइनस थ्री वाई माइनस फोर वाई क्या हो गया माइनस सेवन वाई, इसको भी इधर लेके आएंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास जीरो।
अब इसको सोल्व करेंगे, वाई ज़ीरो आ गया तो हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी पुट कर देंगे। फर्स्ट में पुट कर दिया, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री, वाई की जगह जीरो पुट कर दिया, इज इक्वल टू ज़ीरो, रूट टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ये इधर डिवाइड में आएगा तो क्या होगा ज़ीरो, एक्स की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी ज़ीरो। नेक्स्ट है 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2, इसको हमने सॉल्व किया, एलसीएम ले लेंगे, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो अपोजिट में लेंगे एलसीएम लेके, अब 3 3 जा 9x और 5 2 जा minus 10y is equal to minus 12, एलसीएम लेके देख लेना बेटा यही आएगा, x by 3 plus y by 2 is equal to 13 by 6, 3 2 जा 6, एलसीएम आ जाएगा, इधर से इधर आएगा एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, 2x plus 3y is equal to 13, दो इक्वेशन आ गई, हम दोनों में से किसी भी एक से वैल्यू निकाल लेंगे, हमने इक्वेशन सेकंड से निकाल ली, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन क्या है 2x plus 3y is equal to 13, 2x is equal to 3y को इधर लेके आए 13 minus 3y, x is equal to 2 डिवाइड में आ जाएगा 13 minus 3y by 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, क्योंकि सेकंड से इक्वेशन से वैल्यू निकालिए तो फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट है 9x की जगह रखा 13 माइनस 3y by 2 माइनस 10y is equal to minus 12, अब देखो 9 की और 13 की मल्टीप्लाई 117, 9 3 जा 27y और 2 अगर हमने एलसीएम ले लिया पूरे का तो 2 की और इसकी मल्टीप्लाई 20 और 2 को अपोजिट साइड लेके गए तो यहाँ आया 20y और 2 को इधर ले आए 24 हो जाएगा, 117 प्लस से इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 27 और 20 दोनों नेगेटिव है, माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117, माइनस 47y इज इक्वल टू दोनों को करेंगे सॉल्व, माइनस 141, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाय 47, हम इसको कैंसिल करेंगे तो किस पे कैंसिल होगा y इज इक्वल टू 3 पर, जब y इज इक्वल टू 3 आ गया तो अब हम y की वैल्यू को किसी भी एक के अंदर पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, हमने क्या किया पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन में पुट किया 2x plus 3y is equal to 13, 2x plus 3y की वैल्यू 3 आ गई is equal to 13, 2x 3 3 जा 9 इधर लेके आए 13 minus 9, 2x is equal to 4 आ जाएगा और x is equal to 2 से कैंसिल कर दिया 2, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स थे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है आपको, सोल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, और फिर m की वैल्यू फाइंड करेंगे किससे, y is equal to mx plus 3, पहले इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे फिर इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो किसकी आएगी m की वैल्यू, देखें देखो 2x plus 3y is equal to 11 है, 2x minus 4y is equal to minus 24, दो इक्वेशन है हमारे पास है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दोनों में से किसी भी एक से निकालना है हमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किया हमने 2x is equal to क्या आ जाएगा 11, ये प्लस है इधर माइनस आएगा 11 minus 3y, x is equal to इधर डिवाइड में आएगा 11 minus 3y by 2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, जो हमारे पास वैल्यू आई है फर्स्ट से वो सेकंड में पुट करेंगे, देखो 2x minus 4y is equal to minus 24 है, x की वैल्यू करेंगे 2 और x की जगह 11 minus 3y by 2, minus 4y is equal to minus 24, 2 से 2 cancel, 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24, माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, ये प्लस से इधर आएगा माइनस 11, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 75 या 35, 5 आ गया, अब जो हमारे पास y की वैल्यू आई है उसको हम किस में पुट करेंगे, थर्ड में पुट करें या फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी पुट करें वैल्यू हमेशा सेम आएगी,
putting this value of y in equation 3. X is equal to 11 minus 3 or y ki value 5 by 2. 11 minus 3, 5 ja 15 by 2. 11 minus 15 kya aega? Minus 4 by 2. 2 se cancel kar diya 2 pe. X ki value humare paas kya aayi? Minus 2. Ab humne kya diya tha ki is in dono equations ko solve karke hame m ki value find karenge. Find the value of m. अब m की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है आपके पास? इक्वेशन दे रखी y is equal to mx plus 3. y की वैल्यू हमने क्या निकाली? 5 is equal to m और x की वैल्यू क्या आई? minus 2 plus 3. 5 plus 2 को इधर लेके आए, minus 3 हो जाएगा, plus 3 है, इधर आएगा minus 3 is equal to minus 2m. 5 में से 3 जाएगा 2 is equal to minus 2m. फिर ये हमारे पास multiply इधर जाएगा divide में, तो minus में आ जाएगा 2 से 2 cancel, m की value हमारे पास क्या आ जाएगी? minus 1. यही हमें find करना था कि दोनों equations को solve करके x और y की value find करेंगे. उसके बाद जो भी हमारे पास equation दे रखी y is equal to mx plus 3, वहां y और x की वैल्यू पुट की, तब हमने किसकी वैल्यू निकाली? m की वैल्यू. आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू.